कसम खाते हैं इस माटी का, इस माटी में भी मिलना पड़ेगा तो यही आज मिल जाएंगे। हमको राजनीतिक से सिर्फ करने का मतलब नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो कुर्सी का और विधायक सांसद का लालच नहीं रखता। अगर हम लोग आए हैं तो दर्द को लेकर के आए हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि इस बदन पे जितना पुलिसिया लाठी पड़े, इस बदन पर जितना वाटर कैनन का दर्द सहना पड़े, इस बदन पर जितना तरह का गोली बारूद सहना पड़े, हम सहेंगे। झारखंड आदिवासी मूलवासी कौन है? भारत जिला खूंटी गुमला, ये सरकार बेशरम है, ये सरकार निर्लज है, ये सरकार नालायक है, लाज नहीं लगता है। जेल के निकलने से एक दिन बिना कुर्सी में रह नहीं सकता है और यहाँ जो 19 दिन से मोराबादी में पड़ल है, पूछने तक नहीं आया है, यही कुर्सी के लिए मरता है। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो क्यों नहीं आया यहाँ पे आंदोलन में समर्थन देने? कि आखिर JBKSS के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, उनको यहाँ पर क्यों आना पड़ा? दादा जोहार और भोकाल टीवी में स्वागत है। आज जो है आप जो हमारे 12 नक्सल प्रभावित जिला है झारखंड में, वहाँ से जो 2200 सहायक पुलिसकर्मी के जवान हैं उनके साथ में है, क्या कारण है? कारण यही है कि पिछला 7 सालों में तमाम नक्सली क्षेत्र में, चाहे खूंटी गुमला लोहरदगा लातेहार चाईबासा सिंहभूम चतरा गढ़वा पलामू लातेहार, इस क्षेत्र में अपना जान को जोखिम में डाल के ड्यूटी कर रहे हैं। 12 जवान अब तक शहीद हो गए हैं। आंदोलन के दौरान 4 दिन पूर्व एक जवान शहीद हुआ, लेकिन पिछले 7 सालों में 7 पैसा वेतन नहीं बढ़ा है। यह दृश्य दर्दनाक देखिएगा तो आँख में आंसू आएगा कि ऐसे ऐसे बच्चा इस धरना पे 18 दिन पर इस खुले आसमान में भारी वर्षा में है, जो सिर्फ अपना माँ का दूध से जिसका जीवन निर्भर है, जिसको यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं है, जिसको कोई बिजली का सुविधा नहीं है, और जबकि वैसे बच्चों को एक बेहतरीन मेडिकल के तरफ से जो है कि एक सुलभ वातावरण की आवश्यकता होती है। कई बहनें जो है कि गर्भवती स्थिति में है, जिसको मातृत्व विशेष अवकाश का उसका अधिकार है, मानव अधिकार है, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। आज 7 पैसा नहीं बढ़ाया गया है, 19 दिन हो गया यही मोराबादी मैदान में कोई पूछने तक नहीं आया। यहाँ के मुख्यमंत्री सोए हुए, यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं, और जब इस बात को लेकर के कल घोषणा किए इस दर्द को लेकर के, तो जो सोए हुए थे आज नींद नहीं आ रहा, उसको रात भर नहीं सोया है कोई अधिकारी पदाधिकारी, सुबह से चक्कर लगा रहा है कि मोराबादी ग्राउंड का, हाँ, और बोल रहा है कि लॉलीपॉप दे दे, हाँ। और मोराबादी मैदान में इन लोगों रख दे, निकलने न दे। मिला है 25%, तो 25% बढ़ गया है, 25% 12,500 हुआ, 1 साल का। एक बात बताइए, छोटा बच्चा अगर माँ को दूध के लिए रोता है तो कुछ माँ लोग क्या बोलती है, बेटा दूध नहीं चुप हो जाओ चॉकलेट लो, बेटा दूध नहीं चुप हो जाओ बिस्कुट लो, तो ऐसा हम लोग नहीं है कि दूध के लिए रोएंगे और चॉकलेट और बिस्कुट के लिए रोना बंद करेंगे। अगर समान दाम का समान वेतन के लिए निकले हैं, 60 साल कार्य अवधि के लिए निकले हैं, तो देना पड़ेगा, अन्यथा जो वार्ता करने आए हैं उनको कहिए 1 महीना सहायक पुलिस वाला ड्यूटी करेंगे, उसको पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है। तो क्या आप लोग अभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाइएगा? एकदम जाएंगे और पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे। ये सरकार का ब्रेकेडिंग, ये सरकार का पुलिस बल जो पुलिसिया लाठी लेकर तैनात है, ये वाटर कैनन, ये आंसू गोला का गाड़ी और ये पुलिस का ताकत हम लोग को नहीं रोक सकता है। हे मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपको इस मैदान में रोकना है तो अब हटाइए पुलिस जो लाठी से लेस है ऐसे पुलिस बल को, अब ले जाइए वाटर कैनन को और आंसू गोला को, आप आइए और वार्ता करिए, हमारी मांग को पूरा करिए, हम लोग इस मैदान को भी छोड़ देंगे। अगर हमारी बातों को पूरा नहीं करिएगा, जितना लाठी से लेस पुलिस बुलाइए, जितना वाटर कैनन आंसू गोला या सीना में गोली दाग दीजिए, हम लोग डटे रहेंगे और हर हाल में मुख्यमंत्री के पास पहुँचेंगे। और आपको बता दे रहे हैं, अगर नहीं मानिएगा तो 2024 में सत्ता पक्ष समेत विपक्ष का एक भी विधायक को सदन का मुंह भी देखने नहीं देंगे। अभी अभी आप जेल से आए हैं, अभी 2-4 को धारा और लग जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? अरे हम तो कह रहे हैं कि इस बदन पे जितना पुलिसिया लाठी पड़े, इस बदन पर जितना वाटर कैनन का दर्द सहना पड़े, इस बदन पर जितना तरह का गोली बारूद सहना पड़े, हम सहेंगे लेकिन पहुंचेंगे। अगर जाने के दौरान में अगर कसम खाते हैं इस माटी का, इस माटी में भी मिलना पड़ेगा तो यही आज मिल जाएंगे। हमको राजनीतिक से सिर्फ करने का मतलब नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो कुर्सी का और विधायक सांसद का लालच नहीं रखता। अगर हम लोग आए हैं तो दर्द को लेकर के आए हैं। झारखंड आदिवासी मूलवासी कौन है? 12 जिला खूंटी गुमला,
जो है कि सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा या चतरा, पलामू, ये लोग झारखंडी है, खतियानी है, आदिवासी मूलवासी है। और ये सरकार संवेदनशील सरकार बोलती है, ये सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार बोलती है, ये सरकार बेशरम है, ये सरकार निर्लज है, ये सरकार नालायक है। सरकार समय रहते हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा सरकार को जो है कि हम लोग हिसाब किताब करने का काम करेंगे। लाज नहीं लगता है, जेल के निकलने से एक दिन बिना कुर्सी में रह नहीं सकता है। और यहाँ जो 19 दिन से मोराबादी में पड़ल है, पूछने तक नहीं आया है, यही कुर्सी के लिए मरता है वो। ये सब नहीं चलेगा ऐसे सरकार। ये बताइए कि देवेंद्रनाथ महतो हमेशा से आंदोलन करते आए हैं, जैसे 60-40 की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, और तमाम तरह के आंदोलन में आप भाग लेते आए हुए हैं। लेकिन 60-40 की बात हम करें, क्योंकि अभी बहुत सारी नियुक्तियां हो रही हैं, लगातार एग्जाम्स भी हो रहे हैं, लेकिन 60-40 वाला नीति तो कभी खत्म नहीं हुआ, वो चलता ही रहा। तो चला जी, इसीलिए तो कसम संकल्प जारी है, लड़ाई जारी है। आज जो स्थिति कोंकाल जैसा दिख रहा है, लंबा लंबा बाल, कंघी नहीं चल रहा है, खुजला रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये दृश्य है। तो वही तो संकल्प है कि 60-40 हटेगा तब जो है कि इस बाल को कटाएंगे हम। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो क्यों नहीं आए यहाँ पे आंदोलन में समर्थन देने? वो आएंगे। कब आएंगे? जब लोग चले जाएंगे तब? अरे चले जाएंगे तब नहीं, हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष आए हैं। केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष इसलिए आए क्योंकि लगातार आंदोलन करते, इसलिए हो सकता है होंगे। इसलिए नहीं, हम हक दिलाने आए हैं, हम दर्द तकलीफ दुख हक दिलाने आए हैं। वो झारखंडी की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, तमाम मूलवासी आदिवासी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पर उपस्थित हो? आज तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है झारखंड के 2200 सहायक पुलिसकर्मी के जवान के लिए। जी बिल्कुल है, लेकिन केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जितने भी हमारे संगठन के और भी साथी लोग हैं उनका सहयोग है, और जो है कि उनका समर्थन है, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अरे तो ये एक जगह एक शेर संभाल रहा है ना जी, और सरकार को झुकाएगा, कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप जी। तो आप देख सकते हैं कि जेबीके से केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो हैं। ये बताइए दादा कि आप जो है लगातार आंदोलन किए हैं, कई बार लाठी खाए हैं, अभी यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं, और जिस प्रकार से भी मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वंदना डालेल से शायद सहायक पुलिसकर्मी के जवान की कुछ बात हुई है जाके, एक साल का एक्सटेंशन और 25% की जो वेतन में वृद्धि होना है, सुन लीजिए। हम जोहार करते हैं, हाँ। नहीं चाहिए ये सब, वही बात हम फिर से बोल रहे हैं। बच्चा दूध के लिए रोएगा तो चॉकलेट के लिए चुप कराया जाएगा उसको, बिस्कुट से चुप कराया जाएगा? बच्चा चुप हो सकता है, देवेंद्रनाथ महतो चुप नहीं। अच्छा, क्या कारण है कि 7 साल हो गया 10,000 का 10,000 रुपया मान दे रहा है, बढ़ा नहीं, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सरकार बीजेपी के सरकार में इनकी अनुबंध पे बहाली हुई थी, उसके बाद सरकार बदल गई, गठबंधन की सरकार आ गई, उसके बाद भी लोग का हालात नहीं बदला, क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि राज्य के युवाओं को इस्तेमाल करो, राज्य के युवा पीढ़ी को बर्बाद करो, राज्य के युवा पीढ़ी को धोखा दे दो, और अपना वेतन बढ़ाएं, अपना सुविधा बढ़ाएं, अपना कुर्सी को बचाएं, इन लोग का यही है। तो ये लोग का हकीकत जनता जान रहा है, 2024 में इसका हिसाब किताब हम लोग करेंगे। एक चीज़ और, क्योंकि आश्वासन इन लोग को पहले भी मिला था ना, एक बार 2021 में लिखित आश्वासन मिला था, लिखित आश्वासन मिला, आश्वासन मिला था कि नहीं मिला था? हाँ, लिखित एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन और 8 सूत्री मांगों पर आश्वासन मिला था कि ये करेंगे। लिखित आश्वासन मिला था, पर अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, और आश्वासन करने के लिए आते हैं, तो पहले आश्वासन दिए हैं, पहले उसको पूरा कीजिए, उसके बाद आइए आश्वासन करने। तो यही कहना चाह रहे हैं कि पहले भी आश्वासन मिल चुका है, आज फिर मिल रहा है, ये पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी है? कैसे हो? गारंटी है, गारंटी देते हैं होगा। अच्छा, इसलिए होगा कि देखिए ये लोग जो है ना, हम लोग का सहायक पुलिस का आंदोलन को अब तक फिल्म का शूटिंग जैसा समझता था। अच्छा। जैसे डायरेक्टर लोग फिल्म बनाता है ना, गोलमाल 1 आया, हाँ। चला, हाँ। उसके बाद अगला गोलमाल 2 आया, चला, फिर गोलमाल 3 आया, चला। तो उसी प्रकार 2020 में वर्दी ए इंसाफ 1 चला, लिखित आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। फिर 2021 में वर्दी ए इंसाफ 2 चला, उसमें भी जो है कि सरकार के लोग आए, आश्वासन दिए, लिखित रूप से आश्वासन दिए, हम लोग उनका सम्मान से आंदोलन को भी स्थगित किए, उस समय हम खुद मौजूद थे, लेकिन उस बार भी फिर आश्वासन का आश्वासन ही रह गया, और जो है कि मांग पूरा नहीं हो गया। अभी वर्दी ए इंसाफ 3 चल रहा है, ये आर पार का आएगा, ये 4 नहीं होगा, वर्दी ए इंसाफ 4 नहीं, 4 नहीं होगा, जो भी होना है इसी में एकदम। अरे 4 नहीं होगा, सरकार गिरेगा, सरकार बदलेगा, लेकिन 4 नहीं होगा, सहायक पुलिस को हक मिलेगा, 3 में ही मिलेगा, वर्दी ए इंसाफ 3 में ही मिलेगा। शुक्रिया।